الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. तो हमने पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 शुरू किया था. क्वेश्चन नंबर 5 में आप एक ऐसी जमीर पढ़ रहे हैं जिसको जमीरुल फसल बोलते हैं, जमीरुल फसल या जमीरुल फसल. जमीरुल फसल मीन्स वो जमीर, जमीर रफा, ये जमीर रफा होती है यानी हुआ, हिया, अंता, अंतुम वगैरह, कि जो खबर और ताबे के दरमियान, खबर और ताबे के दरमियान फर्क करने के लिए लाई जाती. मतलब ये होता है कि कभी मैंने आपको हमने पढ़ा है और आपने भी कई जगह पढ़ा है कि मुब्तदा मारिफा होता है और खबर नकिरा होती है. लेकिन कभी कभार क्या होता है कि खबर भी मारिफा होती है. जैसे हम कहेंगे कुरान में भी है वहुवल गफूर अल गफूर अल वदूद, कभी खबर भी मारिफा होती. तो इस सूरत में क्या हो, जब खबर मारिफा होती है तो इस सूरत में क्या प्रॉब्लम आती है कि अंदेशा ये भी होता है कि भाई खबर जो है ये तो क्या नाम है, मतलब कोई बंदा ये समझेगा कि नहीं ये ताबिया है, खबर नहीं है, ये खबर नहीं है. मिसाल हम कहेंगे ऐसा सेंटेंस हुआजा हुआ अल मुराकिब, अल मुराकिब जो है यहाँ खबर है. अगर हम वाइजा हजफना जमीर अल फसल, अगर हम हुआ को हजफ करेंगे तो ये बनेगा हाजा अल मुराकिब अल जदीद, ये नया मुराकिब, ये नया निगरान, ये नया सुपरवाइजर. जैसे हमने पढ़ा है किसमें, इसमें इशारा और मुशान इलै में, हमने उसमें पढ़ा है ये कि ये हादा, ये सॉरी ये हाजा जो है इसमें इशारा जो है, इसके बाद अगर अल्फलाम वाला इस्म आ जाए तो वो मुशारुन इलै होगा यानी बदल होगा, उसको बदल वो कहते हैं. तो बदल होगा, बदल क्या है, बदल एक ताबिया है, ताबिया 5 है, मैंने आपको बता दिया ताबिया 5 है. ताबिया है वो सिफत है, ताकीद है, बदल है और अतफ है और भी है, क्या नाम है, अतफ बयान उसको बोलते हैं, शायद आपने उसको नहीं देखा होगा. तो ये सारी चीजें जो है ये ताबे जमा तवाबे, ताबे में आती है. अगर हम ऐसे कहेंगे हाजा अल मुराकिब अल जदीद, तो मिसाल अगर मैं आपको कहूँ जरा इसकी तरकीब करो तो आप कहेंगे हादा इस्म इशारा अल मुराकिब मुशार इलै अल जदीद, इस मुशार इलै की सिफत है, खबर कहीं नहीं है. यानी आप ये कह सकते हैं यजूज अन यकून अल मुराकिब बदला मिन हादा कअन्ना नुरीद अन नकूल, जैसे हम ये कहना चाहते हो ये नया मुराकिब नशीत है, नशीत मीन्स एक्टिव है, फुर्तीला है, तो नशीत खबर आ गई, तो नशीत खबर आ गई, हादा अल मुराकिब अल जदीद नशीत, ये नया नया मुराकिब नशीत है, फुर्तीला है. वकज़ालिक फी कौलिना हामिदुन हुवा अन्नाजिहु, अन्नाजिहु खबर है, मगर अगर हम ज़मीरी फसल हटा देंगे तो बनेगा हामिदुन अन्नाजिहु, तो आप ये भी कह सकते हैं कि अन्नाजिहु जो है इसकी सिफत है, इसकी सिफत है, और सिफत भी क्या है, ताबे है. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक ज़मीर रफा लाई जाती है बीच में जो मुब्तदा और खबर के लाई जाती है, और उससे कंफ्यूजन दूर होता है. क्योंकि जब आपने ज़मीर फसल लाई, मिसाल जैसे हाजा अल मुराकिब सॉरी हाजा हुआ अल मुराकिब, जब आपने हुआ लाया बीच में या आपने यहाँ कहा हामिदुन हुआ अन्नाज, तो अब ये इम्कान नहीं है कि आप कहेंगे अन्नाज इस कलमे यानी मुब्तदा की ये सिफत हो सकती है, नहीं अब तो इसकी सिफत नहीं होगी. आप तो लाजमी तौर ये बताना पड़ेगा कि हामिदुन जो है इस्म है, ये सॉरी मुब्तदा है, और अन्ना जो इसकी खबर है. बीच में हुआ जो है आ गया ज़मीरुल फ़स्ल, इसके बारे में कहा जाता है ला महल्ला लहू मिन अल इराब, इसको इराब का इराब की कोई जगह इसमें ये इराब की कोई जगह नहीं है. ये तो बस कंफ्यूजन दूर करने के लिए लाया जाता.
आप किस तरह लिखेंगे, जब आप एनालिसिस करेंगे ना तो आप लिखेंगे हामिदुन मुब्तदा, हुआ जमीरुल फसल, हुआ जमीर जमीरु रफा व हुआ जमीरुल फसल, ला महला लहु मिन अल इराब, अन्नाजा अन्नाजा को लिखेंगे आप खबर, मसला खत्म। अन्नाजा को लिखेंगे आप खबर। तो यही हम पढ़ रहे थे, तो फिर हमने इसी एक दो और मिसालें पढ़ी, उलाइक हुमुल मुफ्लिहून, इन शानिया का हुआ अब्तर, हुआ हुआ आ गया यहाँ भी, यहाँ हम आ गया। और यहाँ याद रखिए आप, ये जमीरी फसल जो आप लाएंगे ये मुब्तदा के हिसाब से लाएंगे, मुज़क्कर मोनस और वाहिद जमा उसके हिसाब से लाएंगे, जैसे उलाइका वो सब लोग, तो इसने हुम लाया, शानिया का आप एक की, तो इसने हुआ लाया, शानी उन जो है वाहिद मुज़क्कर गायब है तो इसने हुआ लाया, हाजी ही सयारा, हाजी मोनस है उसने यह लाया। अब कह रहा है इसके बाद, चूंकि यहां तक हमने पढ़ा था इस्तखरिज मा वरद फिद दर्स मिन ज़मायरुल फ़स्ल, इसको छोड़िए हम। अब क्वेश्चन टू कह रहा है कि यहां मैंने कुछ पार्ट्स दिए हैं, अल अदखिल अल 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 खबर, इनमें से खबर देखो खबर कहां है, उस पे अल दाखिल, उस पे अल दाखिल करो, और फिर फी कुल जमीयत वाती बि ज़मीर फ़स्ल मुना, फिर ज़मीर फ़स्ल मुनासिब लाओ, फिर जमीर फसल मुनासिब लाओ, जैसे यहां है पहला पार्ट है हाजा बैतुन, हाजा बैतुन, इसमें खबर कहाँ है, बैतुन, बैत, तो इसके साथ इल्फ़लाम लगाएंगे, इल्फ़लाम लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे, हाजा हुअल बैत, हुअल बैत, तो अब हुआ भी लाना पड़ेगा, जमीर भी लानी पड़ेगी, हाजा हुअल बैत, शाबाश। नंबर टू, हाउलाई नाजहून, हुमुन्नाजहून, बहुत अच्छा, हाउलाई हुम अन्नाज, हुमुन्नाजहून, जैसे उलाई का प्लूरल में हुम आ गए तो हाउलाई में भी हुम आएगा। नंबर थ्री, हाजी ही मजल्लतुन, हाजी ही मजल्लतु, यही मजल्ला है। नंबर फोर, क्योंकि ये जो है उलाइका मुज़क्कर मोनस के लिए सेम आता है तो कंफ्यूजन हो गया, हुम मुज़क्कर के लिए आएगा, हुन्ना मोनस के लिए आएगा, उलाइका हुन्ना रासिबातुन, वो सब लड़कियां जो है फेल है, उलाई का हुन्ना और आसिब बात हो। तो मेरे ख्याल से ज़मीरी फ़सल क्लियर हो गया। हाँ, तो क्वेश्चन सिक्स में, क्वेश्चन सिक्स में एक पॉइंट और सिखा रहा है, मिन्ना मई यूरीद, मिन्ना मई यूरीद, मिन्ना मई यूरीद, हम में से जो चाहता है, हाज ही मिन अतबीजिया, ये मिन अतबीजिया है, मिन्ना में जो मिन है ना ये मिन अतबीजिया है, माना मिन्ना बाजुना, यानी हम में से कोई ये चाहता है, जैसे वहां पीछे जो है इसमें क्या नाम है डिस्कशन में था, ये हिवार जब हम पढ़ रहे थे तो वहां आपने ये देखा कि मिन्ना मयूरी जो है क्या नाम है मिन्ना मयूरीद अन यश्तरिक फी मुअस्सकर अल-जामिया, हामिद ने पूछा था ये सवाल, वो नए मुराकिब जब दाखिल हुए थे तो कमरे में, तो उसने कहा मिन्ना मयूरीद अन यश्तरिक फी मुअस्सकर अल-जामिया, हम में से कोई है, यानी कोई बाजुना या बाजुना, हम में से कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं, तो ये मिन अतबीजिया है, इसका माने है बाजुना, इलैका अमसिलतुन उखरा, कुल कुल मिन हाजा, कुल खाओ मिन हाजा, इसमें से कुल खाओ मिन हादा, इसमें से, यहां मुराद है यानी मैंने आपके सामने कोई कोई चीज रखता हूं तो मैं कह रहा हूं इसमें से खाओ, मिन यहां मुराद है बाजा हाजा, यानी अगर मैं सिर्फ कहूं कुल
हाजा तो इसका मतलब है कि ये सब खाओ, ये खाओ। लेकिन अगर मैं कहूं कुल मिन हाजा तो इसका मतलब है इसमें से थोड़ा ले, टेक ए पार्ट ऑफ इट, इसमें से एक पार्ट ऑफ खाओ, ए पार्ट ऑफ इट, टेक ए पार्ट ऑफ कुल मिन हाजा। आप समझ रहे हैं ना? हाँ। इसी तरह नंबर टू मिसाल मिनतुल्लाह भी मैं यारिफुल इंकलेजिया, मिनतुल्लाह मिनतुल्लाह यानी बाजुतुल्लाह, कुछ लड़के अंग्रेजी जानते हैं, व मिनहुम मैं यारिफुल फरेंसिया, व मिनहुम यानी व बाजुहुम यारिफुल फरेंसिया, और कुछ उनमें से क्या जानते हैं, फ्रेंच जुबान जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ یعنی وَبَعْضُ النَّاسِ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وَبَعْضُ النَّاسِ مَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ ہم نے اللہ پر ایمان لایا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخری دین پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ مومنین نہیں ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہے اس کو ذرا نوٹ کیجیے۔ پہلی یعنی الفلام سے شروع کر کے اولائی کا ہم المفلحون تک جو آیات ہیں، پانچ آیت یا چار آیت ہیں، وہ پانچ آیت، وہ ان میں سے ان لوگوں کے بارے میں گفتگو ہے جو جن کو آپ کہیں گے پکے مسلمان، پکے مومن اور ایمان والے لوگ، ان کی گفتگو ہے۔ اللہ پر غیب پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، نماز پڑھتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ومما رزقناہم، یہاں دیکھیے ومما رزقناہم، چوتھا یہ ہے ومما رزقناہم، یعنی اور وہ بعض ما رزقناہم ینفقون، جو میں نے ان کو دیا ہے رزق اس میں سے بعض خرچ کرتے ہیں، ایک حصہ ان میں سے، پورشن اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو پہلی پانچ آیت میں مومنین کے بارے میں گفتگو ہے، یعنی پکے مسلمانوں کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد دو آیتیں ہیں، کون سی؟ سواؤن علیہم انذرتم ام لم، اور ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یہ سوری کیا ہے، ہم المفلحون، ہاں، اس کے بعد دو آیتیں ہیں جس میں کافروں کی بات ہے، ہاں دو آیتوں میں کافروں کی بات ہے، اس کو لکھیے۔ اور پھر اس کے بعد 13 آیتوں میں منافقین کی بات ہے، 13 آیتوں میں کن کی بات ہے، منافقین کی بات ہے۔ ہاں اس کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو سورہ بقرہ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو، جب اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، کوئی پیغمبر آتا ہے دنیا میں، تو لوگ تین قسم کے گروپوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے مومنین صادقون، جو سچے مسلمان بن جاتے ہیں اور اللہ کی راہ پہ چل نکلتے ہیں۔ دوسرا وہ جو صاف انکار کرتے ہیں، لیکن شیطانی نہیں کرتے، صاف انکار کرتے ہیں، ہمیں قبول نہیں ہے بھائی، ہم اس کو مٹائیں گے، ہم یہ کریں گے۔ لیکن ایک خطرناک گروپ ہوتا ہے جو کہتا ہے سامنے کیا، آمنا باللہ، مگر ان نے ایمان نہیں لایا ہوتا ہے۔ او تو ان منافقین کے بارے میں آپ قرآن میں جگہ جگہ دیکھیں گے کہ یہ قرآن، یہ مومنین جو، یہ منافقین جو ہے، ان کو وحی کے بارے میں کیا پرابلم تھی، ان کو پیغمبر کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، قرآن کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، اور ان کا اپنا جو ہے، اپنی ان کی جو پرابلم تھی وہ کیا کیا تھی۔ تو یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت، 20 آیتیں شاید ٹوٹل بنتی ہے یا 20-30 آیتیں، ان کو ذرا آج دیکھیے گا پلیز، 5 اور 2 ہو گئے، 7 اور 13 20 آیتیں ہیں، ان کو آج آپ دیکھیں اور اس کا معنی دیکھیں۔ چلیے بھائی، ہم آئیں گے گرامر کی طرف۔ نمبر 5 ہے، انت، جیسے کوئی استاد اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے انت من احسن الطلاب، من احسن الطلاب، یو آر امنگ دا بیسٹ اسٹوڈنٹس، یعنی آپ کچھ اسٹوڈنٹس، بہترین اسٹوڈنٹ جو ہے ان میں سے ہیں۔ انت بعض احسن الطلاب، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ من التبعیزیہ ہے، من التبعیزیہ۔ تو اسی طرح تدبر القرآن والے نے جو ہے لکھا ہے، تدبر القرآن نے کو لکھا ہے، کس نے؟ امین حسن اصلاحی صاحب نے۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں پر اللہ نے یہ کہا کہ وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ أَن يَغُزُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ،
और मोमिनों से कह दो कि वो झुकाएं अपनी नजरें, हमने जनरली ट्रांसलेट ये किया है, वो कहता है नहीं ये मिन अतबीजिया है, यानी अपनी बाज नजरों को झुकाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर से निकलेंगे तो बस अपनी नजर को अपने पाँव में जमा देंगे और आगे बढ़ेंगे, इसके वो कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कभी इंसान की नजर गलत चीज पर पड़ती है जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है, नाजायज करार दिया है, तो उस नजर को बचाओ, उस नजर को झुकाओ, उस नजर को झुकाओ, वहां मत देखो। ठीक है, तो वहां भी वो मेन तबीजिया है, कुरान में इसकी मिसालें आपको बहुत मिलेंगी। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे। एक जगह आपने पढ़ा जैसे यहाँ क्या नाम है, उस्ताद जो है एक किताब को ट्रांसलेट करना चाहते थे, तो फिर उसने अम्मार से कहा इन्नका तुजीदु लुगतल फ्रेंच, आप बहुत अच्छा फ्रेंच जबान जो है जानते हैं, फ्रांसी जबान जो है बहुत अच्छी जानते हैं, वततकल्लमुहा कमा यतकल्लमु अहलु फ्रेंच, और उस तरह बोलते हैं जैसे अहलु फ्रेंच बोलते हैं, यानी जैसे फ्रांस के लोग वहाँ लोकल लोग बोलते हैं वैसे आप भी बोलते हैं। फिर उस्ताद ने पूछा था अफा इश्तफी फ्रांसा, तो क्या आप फ्रांस में रहे हैं? अफा इश्तफी फ्रांसा, इम्तियाज साहब आपके इसमें थोड़ा शोर है, इसको सर आप म्यूट करके पहले ये करें। हाँ, अफा इश्तफी फ्रांसा, तो क्या आप फ्रांस में रहे हैं? लेकिन यहां समझने का एक नुक्ता है जो याद रखने का है और इसको आप नोट कीजिए। क्या कहता है? हमजतुल इस्तिफाम है, हमजतुल इस्तिफाम जो है यानी जैसे आप कहते हैं आ, ततकद्दमु अला हुरूफ अल अत्फ, ये हुरूफ अल अत्फ पर मुकद्दम आता है, पहले आता है। फा जो है हरफ अत्फ है, फा हरफ अत्फ है, अफ इश्ता, तो हमजतुल वसल ये सॉरी हमजतुल इस्तिफाम इससे पहले लिखा गया, मगर यहां आप नीचे देखेंगे वाकवातुहा तताअखरु अन हुरूफिल अत्फ, मगर इसकी बहनें यानी हमजतुल इस्तिफाम की बहनें यानी बाकी जो हरफ इस्तिफाम है, जैसे मैं आपसे कहता हूं मैं अभी आऊंगा वहां पे, तो यहां इतना याद रखिए कि हमजतुल इस्तिफाम पहले आएगा और इसकी बहनें बाद में आएंगी। पहले हम हमजतुल वसल की मिसालें पढ़ेंगे, कुरानी मिसालें। अवलम अवलम यंदुरु, डिडंट दे सी, अवलम वाव, हाँ वाव क्या है, हर्फ अत्फ है ना, वाव हर्फ अत्फ है, लेकिन हमजा इसे पहले लिखा गया, हमजा इसे पहले लिखा। अफलम यसीरु, क्या नहीं चले। फा फा जो है हमजा, ये हर्फ अत्फ है, तो इससे पहले हमजतुल वसल लिखा गया, ये हमजतुल इस्तिफाम। नंबर 3 असम असुम्मा इदा मा वका आमनतुम बे, तो क्या इसके बाद जब वो वाका हो जाए, शायद कयामत के बारे में यहां इशारा है, तब आप ईमान लाएंगे। असुम्मा इजा मा वका आमनतुम बे, जब वो वाका हो जाए तो उसके बाद आप ईमान लाएंगे क्या। सुम्मा, सुम्मा भी हर्फ आतफ है, तो इससे पहले हमजा लिखा गया, लेकिन यहाँ ये वाका बात हुआ था अखर अन हरूफ आतफ, लेकिन इसकी बहने जो है हर्फ आतफ के बाद लिखी जाती है, जैसे फहल युहलकु इल्ला अल-क़ौमुल फासिकून, फहल न कि हल फा, यहाँ फा लिखा गया लेकिन पहले हमजातुल इस्तिफाम लिखा गया, आ फा, लेकिन यहाँ लिखा गया पहले फा फिर हल, फहल युहलकु इल्ला अल-क़ौमुल फासिकून। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं अभी इसके बारे में आपको और भी चीजें सिखाऊंगा। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कैफा हालुका, इम्तियाज साहब से मैं कहता हूँ कैफा हालुका, आपका हाल कैसे है, फिर मैं कहता हूँ वा कैफा हालु अबीक, और आपके बाप का हाल क्या है, वो हाउ इज योर फादर, ठीक है ना, यानी मैंने वह पहले लिखा फिर कहा कैफा, कैफा भी क्या है हर्फ ये इस्तेफाम है ना। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं आईना अंता, या मैं आपसे कहता हूं आईना कलमों का, आपका कलम कहां है, वह आईना किताबों का, और आपकी किताब
इसी तरह मैं कहता हूँ फर्क तुम इम्तियाज साहब के साथ दो दो लोग हैं तो मैं कहता हूँ मन हुआ वो कौन है, वह मन हुआ वह कहता हूँ वह पहले फिर मैं कहता हूँ वह मन हुआ। लेकिन जब हमजतुल इस्तिफाम हो हमजतुल इस्तिफाम से पहले आएगा कुछ नहीं, हमजतुल इस्तिफाम से आप सेंटेंस शुरू करेंगे उसके बाद आप हर्फ अतफ लिखेंगे। ये एक कायदा याद रखिए, आप समझ रहे हैं ना, ये एक कायदा याद है। तो हमजतुल इस्तिफाम जो है वो पहले लिखा जाएगा अगर हर्फ अतफ लिखना हो तो, उसके बाद आएगा। लेकिन अगर बाकी जो हमारे पास है यानी हमजतुल इस्तिफाम की जो बहने हैं यानी हरूफ इस्तिफाम या अस्माई इस्तिफाम, तो वो उनसे पहले हर पे अतफ आता है तो फिर उनको लिखा जाता है, जैसे फहल, इसी तरह व कैफा व आईना व मन वगैरह वगैरह। तो यहाँ कह रहा है अदखिल वावल अतफ अलाहातल जुमलातन, अब वावे अतफ इन दो जुमलों पर दाखिल करो। जरा बताइए आप, पहला सेंटेंस है अजा मुदर्रिसूना जुदुदुन, तो वाउल अतफ कहाँ लगेगा? आ के बाद, हाँ आ के बाद आएगा तो क्या कहेंगे? आ शबाश वजह आ व हाँ और क्या, वाह वाला तो वही है ना, वाह जबर वाह आ वा जा मुदरिसून जुदुद। लेकिन अगर यहाँ इस सेंटेंस में करेंगे इस्तेमाल हल हाजा जायज फहल फहल वा 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 हमें वाव लगाना है वहल हाजा जायज वहल वहल तो समझ आया वहल हाजा जायज ठीक है शबाश। इसी तरह मैं कहूंगा आई नाबू का, तो अगर उसमें लगाना हो वाव तो कहाँ लगाएंगे? बहुत अच्छा, तो आप इसको नोट करते जाइए। नंबर 8 व इज कॉल इब्राहिम, और जब इब्राहिम ने कहा, इब्राहिम ने कहा, हुना इज जो यहाँ है ये मफ़ऊल बिही है, क्या है ये मफ़ऊल बिही, लिफ़ालिन एक फ़ैल का, महजूफिन जो महजूफ है, तकदीर हो उसका तकदीर है, उज़कुरु जहाँ भी कुरान में है वाइज कॉल रब्बु का है वाइज कॉल रब्बु का लिल मलाइका तसजुदु, और याद करो ता उसके माने में हम लिखे हैं वाई यानी उज़कुरु याद करो, इज कॉल रब्बु का लिल मलाइका थी जब तुम्हारे रब ने मलाइका से कहा इन्नी आबुदो इन्नी इन्नी क्या खालिकुन वही इसका रब्बू का लील मला एक तस्जुदुल आदम फसा जदु इल्ला अभी, तो सजदा करो इस आदम का वगैरह वगैरह वही इसका। तो इस जब आता है इस तरह तो ये हमेशा मफूल भी ही आता है, और इससे पहले एक फेल महसूफ होता है जिसकी तकदीर ये होगी उजकुर उजकुरु याद करो। अब ये क्लियर हो गया शबाश, ये क्लियर हो गए ना? यस सर। हाँ तो अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 9 पर। मौता ये जमा है मय्यित की, किसकी जमा है? मय्यित अल्हम्दुलिल्लाह ये मय्यित की जमा है, वह हुआ अला वजनी फाला फाला मौता फाला के वजन पर है, गैर मुनव्वन गैर मुनव्वन لانه ممنوع من الصرف क्योंकि ممنوع من الصرف है, क्योंकि ممنوع من यानी फाला है मौता, इसके ऊपर तनवीन वनवीन कुछ नहीं है क्योंकि ये ممنوع من الصرف है। तो आइए हाती जमाल अस्मा लाती अला वजन फाला, अब इसी वजन पर फाला के वजन पर इन इसमों की जमा लाइए, मरीजुन इसकी जमा क्या आएगी फिर? मर्ज़ा मर्ज़ो बिल्कुल, मीम के ऊपर जबर और रा के ऊपर जज़्म, मर फिर ज़ौद या कैंसिल हो जाएगी, ज़ौद के ऊपर जबर और फिर एक या बढ़ा दी जाएगी मर्ज़ा। कतीलुन
قتلى بالكل جريح جرح بہت اچھا قتیل جو ہے اس میں قتیل کہتے ہیں کس کو یعنی کل جو یعنی مارا گیا ہو ایک ڈیڈ باڈی یا جو مارا گیا ہو آدمی اس کو مرڈرڈ جس کو ہم کہیں گے جریحن کہتے ہیں واؤنڈیڈ جریحن جمع جرحا اسیرن کہتے ہیں اس کو قیدی کو اسیرن کے معنی کیا بنے گا پھر سوری اسیرن کی جمع بنے گی اسرا سریعن سرعا سریعن کس کو بولتے ہیں شباش سریعن کے معنی ہے جس کو ہم کہیں گے پچھڑا ہوا یا ہم کہیں گے نیم مردہ یا انگلش میں ہم لکھتے ہیں فیٹل کیجولٹی اس کو بولتے ہیں سریعن اس کو پچھاڑا گیا ہو نیم مردہ یا مطلب جس کو پچھاڑا گیا ہو سریعن فیٹل کیجولٹی تہمہ کو حمقا بہت اچھا احمق حمقا بہت اچھا تو کوسچن نمبر 10 میں ذرا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے رب ارینی اے اللہ مجھے دکھا ہونا رب اصلہ رب ورڈ جو ہے اس کی اصل کیا ہے یا ربی اے میرے رب حذف منہ حرف النداء اسے حرف النداء جو ہے ہٹا دی گئی ہے حذف کی گئی ہے یعنی اصل میں یا ربی اصل ہو یا ربی اچھا جب یا ربی تھا تو پہلے یا ختم کیا گیا حرف النداء جو ہے حذف کیا گیا تو وہ یا المتکلم اور یا المتکلم بھی حذف کیا گیا یعنی ربی بن گیا پھر ربی تو یہاں ہے ربی اصل میں یہ ربی تھا اور وہ بھی اصل میں یا ربی تھا وہ بھی اصل میں کیا تھا یا ربی ھذا مثال للمنادى المضاف الى یا المتکلم یہ مثال ہے اس منادا کی جو مضاف ہوتا ہے کس کی طرف یا متکلم کی طرف شباش اب یہاں امپورٹنٹ نقطہ ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے یجوز فی یا ہی اب اس یا کے بارے میں جائز ہے خمسۃ اوجہ پانچ وجہ ہیں پانچ طریقے یعنی آپ اس یا کو پانچ طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں وہی ہے نمبر ون پہلی جو ہے ابھی ہم نے پڑھی حذفہا مع بقائے الکسرہ آپ اس کو حذف کریں گے اور وہاں زیر اس کو رکھیں گے تو آپ کہیں گے یا رب وہذا ہوا اکثر اور یہی تو زیادہ ہے زیادہ تو یہ کرتے ہیں نمبر ٹو اثبات الیاء ساکنتا یا ایسا بھی ہے کہ آپ اس یا کو رکھیں گے لیکن ساکن رکھیں گے آپ کہیں گے یا ربی ھذا دون الاول فی القصرت یہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں کم پہلے کے مقابلے میں کم دون الاول کم نمبر تھری یعنی تیسری لیول پر کیا ہے اس بات الیاء مفتوحہ جیسے یا ربی یا موجود ہے اور یا کے اوپر زبر لگا دی گئی تو پڑھا گیا یا ربی یا ربی ایسا بھی پڑھتے ہیں یہ بھی جائز ہے لیکن بہت کم ہے نمبر فور قلب الیاء الفن یہ یا کو چینج کرو الف میں نہو یا ربا یا ربا وقت تلحق ہا اسکت ہا اسکت اس کے ساتھ کبھی کبھار لگتی ہے ان دل وقف اگر وقف کی وقت یعنی وقف کے وقت نہو یا ربا یا ربا ٹھیک ہے تو یہ ہا اسکت اس کے ساتھ لگ گئی اور پانچویں طریقہ کیا ہے قلب الیاء الفن کہ پہلے ہم اس یا کو الف میں چینج کر دیں گے
जैसे ऊपर देखा था रब्बा व हज़्फुहा, फिर इस अलिफ को हज़्फ करेंगे वल इस्तिग्नाउ अनहा बिल फतहति, और इससे जो जो है किस कैसे हम इस्तिग्ना करेंगे कि हम इस अलिफ के बदले से एक जबर छोड़ देंगे बा पर, तो हम पढ़ेंगे या रब्बा या रब्बा, क्या पढ़ेंगे या रब्बा या रब्बा। बिल्कुल यजमाउ हाजिल औजु कौलुना युजमाउ हाजी अल औजुहा कौलुना, यानी इस बात को हमारी ये हमारा ये कौल जो है जमा कर देगा इस तरह, यानी रब्बी रब्बी रब्बा रब्बा रब्बिया, पांच तरीके से पढ़ सकते हैं, रब्बी रब्बी रब्बा रब्बाया रब्बा रब्बी रब्बिया रब्बिया रब्बिया। आपको आपको समझ आया ना, मतलब आपको ठीक हो गए ना, ये रब्बिया जो है या तजदीद नहीं होनी चाहिए, ये रब्बिया है, या के ऊपर जबर है रब्बिया। तो पांच तरीकों से इस इसम को इस मुनादा को पढ़ते पढ़ सकते हैं जो क्या क्या हो मुजाफुन इला या इल मुतकल्लिम, जो मुनादा मुजाफुन इला या इल मुतकल्लिम हो उसको आप पांच तरीकों से पढ़ सकते हैं, और वो पांच तरीके ये है। आपको क्लियर हुआ ये? यस सर। हाँ, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक पॉइंट आपने पढ़ा, शायद आपने आयत के आखिर में ये पढ़ा था कि हाँ आयत के आखिर में जो सूरह ज़ुमर की आयत दूसरी आयत आयत नंबर 45 आपने पढ़ी थी, वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला यूमिनूना बिल आखिरह वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ाहुम यस्तबशिरून इज़ाहुम यस्तबशिरून। आयत आयत में आया है वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही, यानी शर्त आया है, जब ऐसा होता है तो तब ये ऐसा करते हैं, इज़ा हुम यस्तबशिरून, तो ये बहुत खिल उठते हैं। इज़ा जो है काना जवाब शर्त, ये जवाब शर्त था, ये जवाब शर्त था, सॉरी इज़ा काना जवाब शर्त जुमलत इस्मियत, अगर जवाब शर्त जुमला इस्मिया हो वजब इक्तरान बिलफा कमालिम था, तो उसके साथ वाजबी तौर पर फा लगाते हैं जैसे आपने पीछे पढ़ा। हमें ये कहना था वैजा जुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही फहुम यस्तबशिरून, क्या कहना था फहुम यस्तबशिरून, लेकिन फहुम यस्तबशिरून ये फा जो यहाँ आप लगाते हैं इसके इसके बारे में एक और पॉइंट याद रखिए रखिए आप कि यहाँ जायज है वयजूज इकामतु इजा अल्फुजाइया मकाम अल्फा, कि हम इजा अल्फुजाइया जो है इस्तेमाल करते हैं मकामी फा, यानी इस फा की जगह हम इजा भी इस्तेमाल करते हैं, और ये इजा कौन सी किस्म है, ये इजा अल्फुजाइया है। इजा अल्फुजाइया आपने पीछे पढ़ा कि इसका मतलब ये होता है कि आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं सोपोर पहुंच गया, बस तो अचानक यकायक ग्रेनेड फट गया, आप अनएक्सपेक्टेड कोई चीज देख रहे हैं, आप कहते हैं मैंने हाँ मैंने दरवाजा खोला अपने घर का, तो अचानक मैं देख रहा हूँ यार मेरा दोस्त वहां खड़ा था जिसको आप यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग हिम, तो इजा अल फुजाइया है। फैजा हुआ बिलबाब या फैजा सदी की बिलबाब, बस मैं देख रहा क्या देख रहा हूँ कि मेरा दोस्त कहाँ है, दरवाजे के सामने, दरवाजे के पास मेरा दोस्त है, ये इजा अल फुजाइया है, तो ये जवाबी शर्त में फा की जगह लगाया जाता है, इसमें कोई ये नहीं है। हमारे पास दो तीन मिनट बचे हैं लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 को हम कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने पीछे पढ़ा फैली मुजाफ, क्या पढ़ा फैली मुजाफ, हज्जा यहुज्जो, इसी तरह आपने पढ़ा जल्ला या जल्लो, जल्ला या जल्लो, इस तरह मद्द या मुद्द, फर्रा या फिर्रो, तो उसके बारे में आपने वहां पढ़ा पीछे, लेकिन यहाँ है वमन युज़लिलिल्लाह, जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहे, तो कहता है अल मुज़ारियु अल मजज़ूम
अगर मुजाहरा मजूम बिसकून सुकून के साथ, यानी जिसको जिसको आपको अगर मजूम बनाना है तो उसके ऊपर साकिल सुकून लगानी है, वो मुजाहरा नहीं जिसमें नून कैंसिल करना पड़ेगा या और कुछ करना पड़ेगा, नहीं बल्कि जिसके ऊपर सुकून लगाना पड़ेगा। वल अम्र और अमर अल मबनी वाले जो इस पर मबनी हो मिन अल फेल मुजाफ किस में से फेल मुजाफ में से यजूज फी हिमा इनके बारे में जायज है अल इदगाम वल फक्को इदगाम भी जायज है और इदगाम को ब्रेक करना भी जायज है। नाउ जैसे लम यशुद्ध लम यशुद्ध आपने वहां पढ़ा है ये मैंने आपको बताया उस वक्त कि अगर आप कहेंगे मिसाल मद्द यमुद्द तो फेले अमर बनाएंगे मुद्द। इसी तरह अगर शद्दा जो है अगर शद्दा से फेले अमर बनाना है तो आप कहेंगे शुद्ध क्या कहेंगे शुद्ध। लेकिन यहाँ क्या था ये जायज दोनों है इदगाम भी फक बे यानी आप शुद्ध भी कहेंगे उशदुद। आपने दाल दो दालों को अलग अलग करके पढ़ा और हमजतुल वसल डाल दिया बीच में ये बन गया उशदुद। इसी तरह जब जब लम इसे पहले आएगा तो आपने कहा लम यशुद्ध लम यशदुद लम यशुद्ध लम यशदुद कुरान में आया है वहलुल उकदतम मिन लिसानी वहलुल ये असल में हल्ला यहुल्लो। तो अगर अल्लाह को फैले अमर इस्तेमाल करना था तो अल्लाह कहते वहुल्ला उकदतम मिन लिसानी वहुल्ला उकदतम मिन लिसानी मेरी जबान से वो लुकनत जो है उसको उसको दूर करे हुल्ला ये हजरत मूसा की दुआ है लेकिन अल्लाह ने नहीं कहा तो अल्लाह ने यहां ब्रेक कर दिया इस फेल को यानी इसके इदगाम को ब्रेक कर दिया वहलुल कहा। और जब आप इदगाम को ब्रेक करेंगे तो हमजतुल वसल को लाना पड़ेगा तो हमजतुल वसल को क्या करना पड़ेगा लाना पड़ेगा ठीक है। तो चलिए यहां हमने क्वेश्चन 12 कंप्लीट कर दिया तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे रोकते हैं बस एक दो 10-15 सेकंड रह गए हमारे तो कल इंशाल्लाह ताला इस लेसन को कंप्लीट करेंगे और आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।